शुद्ध देसी किचन पे आप आज आपको बताने जा रहे हैं रईसी पापड़ कैसे बनते हैं। मैंने नाम रखा है शुद्ध देसी किचन पे, ऐसे पापड़ की सब्जी बोलते हैं, तो रईसी पापड़ की सब्जी कैसे बनते हैं वो बता देना रेसिपी। एक टमाटर लिया है, 3 हरी मिर्च है, छोटा एक टुकड़ा अदरक का पीस है, 10-12 पीस लहसुन है, उसको मिक्सी में पीस लेंगे। ये बुंदिया है, भुजिया जिसको बोलते हैं वो है, मेथी है कस्तूरी मेथी जिसको बोलते हैं, और ये पापड़ है 5। इसको पहले पापड़ को फ्राई कर लेंगे, फ्राई भी करते हैं टोस्ट भी करते हैं, तो पहले गैस पे इसको रोस्ट कर लेते हैं। पापड़ को पहले रोस्ट कर लिया, उसको साइड में कर लिया। कढ़ाई गरम है, 2 चम्मच आप सरसों का तेल डाल दीजिए इसके अंदर, 1/2 टीस्पून जीरा करी पत्ता, हल्का सा हींग, 2 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, मिर्ची 1/2 टीस्पून, कस्तूरी मेथी पेस्ट जो पीसे थे, अदरक मिर्ची लहसुन टमाटर का वो इसके अंदर अभी डाल देंगे। अच्छे से इसको भून लीजिएगा, मसाला और तेल अलग अलग हो जाएगा, उसके बाद आपको लगेगा कि ये भून के रेडी है। एक गिलास जो पानी है इसको बॉईल होने दीजिए, मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छे से मसाला को। बॉईल हो गया, देखिए 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट इसलिए कम डालेंगे कि ऑलरेडी पापड़ में नमक रहता है। तो रईस पापड़ की सब्जी बनके आप लोगों के लिए हाजिर है। अब जो दही है वो दही हल्का हल्का इसको डालेंगे और उसको मिक्स करते रहेंगे ताकि फट ना जाए। ठंडा दही मत डालिएगा, थोड़ा सा ठंडा थोड़ा सा गर्म, मीडियम ठंडा। इसको मिलाते रहिएगा, छोड़ नहीं सकते जब तक आपको दोबारा बॉईल नहीं आए तो। बॉईल हो गया है, अब इसको पापड़ जो फ्राई किया था अपन उसको तोड़ के इसके अंदर इस तरह से डाल दें। इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, 2 मिनट ढक के छोड़ दीजिए। हो गया 2 मिनट, देखिए पापड़ बन गया। इसको ये बुंदिया जो था उसके ऊपर से, तो रईसी पापड़ की सब्जी बनके आप लोग के लिए हाजिर है शुद्ध देसी किचन पे। 10 से 15 मिनट में आपको पापड़ पे सब्जी बनके रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा धनिया पत्ता का जो फ्लेवर है ऊपर से, तो रईस पापड़ सब्जी जो है, रईस पापड़ सब्जी आप शुद्ध देसी किचन पे बनके हाजिर है। तो देखिए, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना मत भूलिए, और देखते और एंजॉय करते रहिए।